अगर नॉर्मल आलू की सब्ज़ी खा खा कर आप भी हो गए हैं बोर, तो आइए बनाते हैं आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आलू दो प्याज़ा, आइए देख लेते हैं हमको इनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आलू, हम आलू दो प्याज़ा बना रहे हैं। दो प्याज़ा का मतलब ये होता है कि इसमें हम दो तरीके से प्याज कट करके डालते हैं। एक ये बड़ी बड़ी क्यूब्स में काटी है और अंदर का जो निकलता है उससे ये बारीक बारीक कट कर कर लिया है। और ये शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन सिर्फ अगर शिमला मिर्च डालेंगे तो इसका कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छा आएगा, इसलिए हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इन आलुओं को हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे तरीके से। बड़े बड़े पीसेस हम कट करेंगे इसके। देखिए आलुओं को कट करने के बाद हमने दो बार अच्छे से साफ पानी से धुल लिया है और इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। इतना इसको धुलना है ताकि सारा स्टार्च निकल सके। और अब इसको इस तरीके से एक छन्नी में रख देते हैं ताकि आलुओं का पानी, आलुओं में पानी ना रह जाए, ताकि हम फ्राई करें तो पानी इसमें बिल्कुल भी ना रह जाए, इसलिए हम इस तरीके से आलुओं को छन्नी में रख देते हैं। जैसे आलू फ्राई करने के लिए हमने ये कढ़ाई रख दिया है और इसमें हम लगभग दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें आलू जो हमने छन्नी में रखा हुआ था ये डालकर फ्राई कर लेंगे। आलू को छन्नी में रखते हैं तो इसमें जो भी पानी रह जाएगा वो छिटकेगा, तो बड़ी सावधानी से करें या फिर आलुओं को एक कपड़े से पोंछ लें। ऐसे डालकर इस तरीके से हाई फ्लेम पर ही आलुओं को बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई, आलू फ्राई करते समय इसमें हम एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल देते हैं ताकि इससे आलुओं का कलर ज़्यादा अच्छा आएगा हल्दी डालने से। इस तरीके से हल्दी डालकर हाई फ्लेम पर ही चलाते हुए आलुओं को फ्राई कर लेंगे। आलुओं को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक एक कढ़ाई ये पैन लेंगे हम। इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, ये सारे मसालों को हम भून कर यूज करेंगे। दो लाल सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच सरसों के दाने हम डालेंगे इसमें। सरसों के दाने आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसी से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और इन सारे मसालों को हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए अब हमारे मसाले ये बिल्कुल भून चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। देखिए मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेते हैं। साथ ही हम इसमें 10-12 कली लहसुन की डाल देते हैं और इसको बिना पानी डाले सूखा ही पीस लेंगे। देखिए इस मसाले को हमने इस तरीके से सूखा ही पीस लिया है, अब हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देखिए इस मसाले को हमने अलग कर लिया है और इसी में हम ये दो टमाटर काट कर पीस लेंगे, इसी जार में पीस लेंगे। देखिए टमाटर भी हमने पीस कर रख लिया है और अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। देखिए आलू भी हमारे बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे आलू फ्राई हुए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम आलू को हम निकाल लेते हैं बर्तन में। देखिए आलूओं को हमने निकाल लिया है और इसी बर्तन में, इसी कढ़ाई में हम ये प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे।
इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, हल्का सा पकाना है, बिल्कुल गलाना नहीं है प्याज और शिमला मिर्च को। जैसे प्याज शिमला मिर्च को भी हमने हल्का सा पका लिया है, ढक्कन लगाकर इनको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पकाना है। और अब इनको भी हम निकाल लेते हैं अलग। जैसे प्याज शिमला मिर्च हमने निकाल लिया है और इसी तेल में, गरम तेल में हम डालेंगे एक पिंच हींग, आधा चम्मच सरसों के बीज, आधा चम्मच जीरा, और जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें ये जो हमने बारीक कट करके प्याज रखी है इसको डाल देते हैं। आप इस प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं, और फिर इस तरीके से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। प्याज को पका लेते हैं। देखिए प्याज को हमने अच्छे से पका लिया है, और अब इसमें जो हमने पीस कर रखा है टमाटर ये डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल सके। हमको जितना नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पूरा नमक अभी डाल देते हैं, और इसको टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। टमाटर हमारा पक चुका है, अब आप इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। बाकी सबने लाल मिर्च मसाले के साथ पीसा ही है, ये जो मसाला हमने पीस कर रखा था भूनने के बाद उसको डाल देते हैं। अब देखिए आप इसमें या फिर फ्रेश क्रीम डाल दीजिए, या फिर इस तरीके से फैटी हुई मलाई डाल सकते हैं 2 चम्मच। आप इसमें अगर आपके पास ताज़ा दही है तो आप ताज़ा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा दही ना डालें इसमें। आप क्रीम या मलाई या कुछ भी डाल सकते हैं, ताज़ा दही भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसमें फ्राई करके जो सब्जियां रखी हैं ये इसी में डाल देते हैं। फ्राई कर लिया है, अब इसमें हल्का सा पानी डालकर, 2 चम्मच पानी डालकर इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनती है, हल्की सी ग्रेवी रहती है, और ये बिल्कुल गाढ़ी सी सब्जी बनकर तैयार होगी इस तरीके से। 1 कप पानी डालकर आप इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार कर लें। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी आप पहले भी डाल सकते थे मसाले के साथ, लेकिन ऊपर से इस तरीके से डालेंगे तो इसकी महक और टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको ढककर लगभग 5 से 6 मिनट तक पकने देते हैं। तो देखिए अब हमने इसको लगभग 4 मिनट तक के लिए पका लिया है। देखिए सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है। हम लास्ट में इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला या गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। मसाला डालने के बाद 2 मिनट इसको और अच्छे से पका लेंगे। जैसे गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट और पका लिया है, और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी और गाढ़ी सी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आलू 2 प्याज़ा
अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए बनकर तैयार है आलू दो प्याज़ा। आप इसको पूरी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसमें हल्की सी ग्रेवी है तो आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।